ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर का पहला ट्रेलर शायद मार्वल के अनगिनत ट्रेलर्स में सबसे बेस्ट ट्रेलर है। विजुअली रिमार्केबल पर साथ ही बहुत इमोशनल, जहां ये ट्रेलर हमारे किंग चैडविक बोसमैन को एक बहुत इमोशनल ट्रिब्यूट भी दे रहा है। तो चलिए करते हैं ब्रेक डाउन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के पहले ट्रेलर का जो रिलीज हुआ था कॉमिक कॉन में। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है बॉब बांडे के हॉन्टिंग गाने नो वुमन नो क्राई के साथ, जिसे इस ट्रेलर में गाया है नाइजेरियन सिंगर टेम्स। ये गाना इतना इमोशनल है कि ट्रांसपोर्ट कर देगा एक ऐसी जगह जहां आपको लगेगा कि आपका कोई अपना हो गया है। फिर दिखती है लुपिता न्योंगो का किरदार नाकिया, समुन्द्र की तरफ देखते हुए। समुन्द्र पर एक मायन सिविलाइजेशन का टूम है जो नेमोर की तरफ इशारा है, जिसे इस फिल्म में मायन मतलब मेक्सिकन मूल का दिखाया जाएगा। एंजेला बैसेट का किरदार रमोंडा दिखती है वकांडा के सिंहासन पर बैठे हुए, जहां ब्लैक पैंथर वन में चैडविक बैठा करता था। फिर सफेद कपड़े पहने हुए लोग दिखते हैं चोक बनाते हुए किसी के जाने का। इन लोगों के पीछे मूर्ति है वकांडन टाइगर भगवान बैस की, जिसका इंसानी रूप लास्ट दिखा था थॉर लव एंड थंडर में। उसके ऊपर वाला मूर्ति है बशंगा का, जो है सबसे पहला ब्लैक पैंथर, जिसकी ओरिजिन के बारे में ब्लैक पैंथर 1 के इंट्रो में बताया गया। बगल में एक और मूर्ति है जहां एक लेडी की मूर्ति बशंगा की जगह देखती है, जो शायद नॉट है कि इस बार ब्लैक पैंथर का औदा एक लेडी को मिलेगा और वो चूरी हो सकती है। इन सफेद कपड़ों में दोरा मिलाजिक आयो एक्ट्रेस फ्लोरेंस कसुम्बाबी दिखती है, जो लास्ट दिखी थी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। टॉप शॉट में रमोंडा और शूरी भी दिखते हैं, और ट्रेलर में बाद में दिखता है इसी सीन के कंटिन्यूएशन में चैडविक का फोटो, जो क्लियर करता है कि फिल्म में भी दिखाया जाएगा कि टिचाला का देहांत हो गया है। तो ये सब उनको आखिरी बार ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ओकोये यानी दनाए गुरेरा दिखती है इस ट्रिब्यूट वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, जहां अगले क्लिप में दोरा मिलाजे दिखते हैं चैडविक को ट्रिब्यूट देते हुए इस बड़े से हॉल में, जहां पोस्ट में कुछ लिखे हुए हैं वकांडन लैंग्वेज। अगर आप इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो इन पोस्ट पे लिखा हुआ है द पैंथर किंग फॉरएवर लिव्स इन अस एंड द, बाकी की लिखावट इस क्लिप में विजिबल नहीं है, शायद मूवी रिलीज होने पर पता चलेगा। थोड़ी दिखती है फिर रोते हुए अपने भाई को याद करते हुए। के बाद ये क्लिप में दिखता है नेमोर का जन्म, जो है अंडरवाटर किंगडम अटलांटिस का राजा और मार्वल का पहला म्यूटेंट। Kamala, there's something different in your genes, like a mutation. अब जब मिस मार्वल में म्यूटेंट्स की आगमन की घंटी बजी गई है, तब शायद एमसीयू नेमोर को भी कॉमिक्स की ही तरह म्यूटेंट डिक्लेयर कर देगा। फिर नेमोर दिखता है अपने ट्रेडिशनल मायन कॉस्ट्यूम में, जो उन प्रोमो आर्ट में दिखा था जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। नेमोर डीसी एक्वामैन की तरह अंडरवाटर किंगडम अटलांटिस का राजा है, और एक्वामैन की ही तरह उसके भी है उसके पावर्स। सिर्फ कॉमिक्स में कई बार नेमोर को एज एंटी हीरो प्रेजेंट किया गया है। फिर दो अलग सीन दिखते हैं जहां कुछ बंदूकधारी लोग वकांडा पर अटैक करते हैं। हो सकता है कि ब्लैक पैंथर 1 के बाद टीचाला ने वकांडा का राज सबके सामने खोल दिया था, तब उसके बाद से ही दूसरे देशों के साथ वकांडा की भिड़ंत हो रही है, शायद वाइब्रेनियम की। एक शॉट दिखता है सूरी का, उसके इर्द गिर्द पानी है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। पहला लुक मिलता है डोमिनिक थॉर्न का, जो निभा रही है रीरी विलियम्स का किरदार, जो बाद में जाकर बनेगी आयरन हार्ट, जिसे अपना खुद का सीरीज मिल रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जो रिसेंटली अनाउंस हुआ एज अ फेज 5 प्रोजेक्ट। नेमोर का एक और लुक मिलता है बचपन का, जहां वो जलते हुए घर को देख रहा है और फिर बड़ा होकर वकांडा की तरफ जा रहा है। ये काइंड ऑफ इम्प्लाई करता है कि नेमोर का पूरा ओरिजिन बचपन से लेके बड़े तक का दिखेगा इस फिल्म में। एम्बाकू यानी कि एक्टर विंस्टन ड्यूक का फर्स्ट लुक दिखता है इस ट्रेलर में वकांडा के अंदर फॉरेन घुसपैठियों को देखते हुए। रमोंडा का ये डायलॉग आपको इमोशनल हाइट्स पर पहुंचा देगा। अटलांटिस के दूसरे लोगों के भी दर्शन मिलते हैं इस क्लिप में, जैसे कि नमोरा जिसे निभा रही है एक्ट्रेस मेबल कदेना, और अटुमा नेमोर विलन जिसे निभा रहा है अलेजेंड्रो एलेक्स लिविनाली। दोनों ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के कॉमिक कॉन पैनल में हाजिर। अटलांटिस के लोगों को कॉमिक्स की ही तरह ब्लू दिखाया गया है। अटलांटिस के लोगों ने जो मुंह में पहना है वो कुछ ऐसा डिवाइस होगा जिससे वो लैंड पर सांस ले पाएंगे। ऐसा सिमिलर डिवाइस हमने एक्वामैन मूवी में भी देखा था डीसी के अटलांटिस के लोगों को यूज करते हुए लैंड में। एवरेट के रॉस यानी एक्टर मार्टिन फ्रीमैन भी वापस आ रहे हैं इस फिल्म में, पर उससे पहले वो सीक्रेट इन्वेजन में दिखेंगे, ये भी अटकलें हैं। रीरी दिखती है अपने आयरन हार्ट का सिंबल बनाते हुए, ऐसा ही सिंबल उसके कॉस्ट्यूम का भी पार्ट है। कुछ कूल एक्शन सीक्वेंसेस दिखते हैं एक नेमोर और एम्बाको के बीच, और फिर ये शॉट जो एक लीक ऑन सेट सीन में भी दिखा था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया। इस सीन में आप वकांडा के अंदर पानी घुसते हुए देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से कॉमिक से लिया गया है, जहां नेम और वकांडा के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए उसे फ्लड कर देता है। इसीलिए उस सीन में सूरी पानी से घिरी हुई थी।
फाइनली दिखता है पहला लुक नेमोर का, जिसे निभा रहे हैं तेनक हुएटा, जो इससे पहले नेटफ्लिक्स सीरीज नार्कोस का पार्ट थे। कॉमिक कॉन ब्लैक पैंथर पैनल में उन्होंने बहुत ही इमोशनल बात की थी, जहां इंटीग्रेशन की वजह से आज एक मेक्सिकन मूल का एक्टर मार्वल का सबसे पुराना हीरो का रोल कर रहा है। दूसरे अटलांटियंस के मुकाबले नेमोर का कलर ब्लू नहीं है, हो सकता है ये उसकी म्यूटेशन की वजह से हो, जैसा कि कॉमिक्स में था। नेमोर के इंट्रोडक्शन के कंटिन्यूएशन में बहुत ही कूल सीन दिखता है, जहां वो अपने सिंहासन में बैठ रहा है फुल ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। ये फाइनल सीन जहां दूर नेमोर गिरा पड़ा है और एक इंसान ब्लैक पैंथर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, काले रंग का ये कॉस्ट्यूम, जिसमें थोड़ा सा येलो है। कॉस्ट्यूम किल मॉन्गर की कॉस्ट्यूम की तरह ही लग रहा है, तो क्या माइकल बी जॉर्डन वापस आ रहे हैं इस फिल्म में एज ए न्यू ब्लैक पैंथर, जैसे कि अटकलें चल रही थी। देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ब्रेकडाउन, जो कॉमिक कॉन में दिखाया गया था, जहाँ चैडविक के चले जाने का गम बहुत लिंगर करता है, नेमोर की ग्रैंड एंट्री का इशारा भी देता है। शी हल्क ट्रेलर ब्रेकडाउन बहुत जल्द आ रहा है। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। रीसेंट वीडियोस आखिर में डाल दिए हैं और कॉमिक कॉन रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटन रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ProNeetDiary.blogspot.com में।